बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी बाय वीके मेहता। जैसे कि इस चैनल पे हेंडा की बुक डिस्कस हो चुकी है, सो फ्रॉम टुडे आई विल स्टार्ट द बुक ऑफ वीके मेहता। एंड इस बुक में मैं फोकस करूँगी इंशाल्लाह कि मैं मशीन्स को ज़्यादा डिस्कस करूँ, क्योंकि हेंडा में इलेक्ट्रॉनिक्स तो काफ़ी डिटेल में डिस्कस हुई है। आज फर्स्ट डे है तो मैं ट्रांजिस्टर के चैप्टर से स्टार्ट लूँगी। आई थिंक कि ये सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के एमसीक्यूज़ हैं। ओके, सो स्टार्टिंग यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से मैं स्टार्ट ले रही हूँ फर्स्ट डे। सो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एमसीक्यूज़, और फर्स्ट एमसीक्यूज़ में कह रहा है कि अ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कंटेन्स डैश एंड एसोसिएटेड सर्किट्री। तो जो हमारे पास सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर है उसके अंदर कितने ट्रांजिस्टर होते हैं? तो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में हमारे पास एक ही ट्रांजिस्टर होता है। इसकी कुछ इस तरह की सर्किट डायग्राम होती है। एक ट्रांजिस्टर है, R1 R2 वोल्टेज डिवाइडर की कन्फिग्रेशन में है। ये वोल्टेज को डिवाइड कर रहे हैं, VCC जो हमारे पास ऊपर है और ये दोनों बेस के ऊपर मौजूद है। ठीक है, ये वोल्टेज डिवाइडर के बेस पर वोल्टेज देंगे। ये हमारे पास है NPN, क्योंकि ट्रांजिस्टर का हमारे एरो बता रहा है कि एरो आउटसाइड जा रहा है, मतलब आउटसाइड की तरफ है, तो ये NPN है। अगर ये इनवर्ड होता तो ये हमारे पास PNP हो जाता। ओके, आउटपुट हम इधर से ले रहे हैं और ये हमारा हो गया एमीटर का रजिस्टर, बिकॉज दिस इज द मीटर, दिस इज द बेस एंड दिस इज द कलेक्टर। सो सिंगल स्टेज में हमारे पास एक ही ट्रांजिस्टर होता है। फेज डिफरेंस बिटवीन द आउटपुट एंड इनपुट वोल्टेज ऑफ अ कॉमन एमीटर एम्पलीफायर इज ओके। मैं आपको कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का सर्किट दिखा दूँ, वही सर्किट है जो अभी मैंने सिंगल स्टेज का देखा है, दिस वन। ठीक है, इसमें अब आप देखें, लेट्स ये जो 0.1 वोल्ट ये यहाँ पे दे रहा है, मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द AC। ओके, लेट्स अगर ये AC है तो देखिए ये इनपुट जो 0.1 वोल्ट का है, इट इज़ गोइंग एट द बेस टर्मिनल लाइक दिस, दिस इज़ गोइंग एट द बेस एंड आउटपुट इज़ प्रेजेंट ओवर हेयर। आउटपुट हम ले रहे हैं कलेक्टर से, इनपुट हम बेस पे दे रहे हैं, आउटपुट हम कलेक्टर से ले रहे हैं, तो कौन सा चीज़ टर्मिनल कौन सा बच गया, दैट इज़ द एमीटर। सो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि दिस इज़ द कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन, राइट। अब जो हमारे पास कॉमन एमीटर होता है उसमें हमारा फेज डिफरेंस जो होता है दैट इज 180 डिग्री। सो एंड MCQ नंबर 2 इसका आंसर वन है, मतलब जो आउटपुट आती है ये आउट ऑफ फेज होती है, इन्वर्टेड होती है। वो इस तरह की, मतलब कि अगर आपने इसको साइन वेव दी है, साइन वेव पहले पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव आएगा। ठीक है, जो आउटपुट होती है, मतलब इनपुट अगर ऐसी है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमारी जो आउटपुट बनेगी उसमें पहले नेगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव आएगा, यानी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। इट इज जनरली डिजायर्ड दैट अ ट्रांजिस्टर शुड हैव, जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसकी इनपुट इम्पीडेंस हाई होनी चाहिए और आउटपुट इम्पीडेंस उसकी लो होनी चाहिए। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है ना, उसमें भी हमारे पास इसी तरह से होता है। जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है OPAM, इनपुट इम्पीडेंस उसकी आइडियली इनफाइनाइट होती है और प्रैक्टिकली वेरी हाई होती है, और उसकी जो आउटपुट इम्पीडेंस है वो आइडियली होती है ज़ीरो और प्रैक्टिकली मतलब वेरी लेस। ओके, नेक्स्ट MCQs हमें कह रहा है कि 4 MCQs, व्हेन एन AC सिग्नल इज अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर, तो ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे मूव करेगा? हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है ना, वो बोथ DC और AC लोड लाइन दोनों पे मूव करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने ये सर्किट आपको दिखाया था, ये वाला देखें, ये VCC है और ये कैपिटल में है, दिस CC इज़ कैपिटल, ठीक है, ये स्मॉल C नहीं है। सेम इज़ द केस यहाँ पे, हमारे पास अगर बेस पे कुछ जा रहा है ना, तो ये भी हम जो DC होते हैं ना, DC के कंपोनेंट को सर्किट में हमेशा कैप्स लॉक में लिखते हैं, और जो AC के कंपोनेंट को उसको हम स्मॉल में लिखते हैं, जैसे ये E, ये भी मतलब इस तरह से हम उसको कैपिटल करके लिख रहे होते हैं। ये अगर स्मॉल ही होता तो दैट वाज लाइक AC कंपोनेंट। ओके, सो अब ये जो DC कंपोनेंट होते हैं, इसकी भी एक लोड लाइन बन जाती है, उसको मतलब मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। और ये 0.1 वोल्ट, ये AC सिग्नल जो आ रहा है, इस ये भी हमारा कैसे मूव कर रहा है, ट्रांजिस्टर को कैसे ऑपरेट करवा रहा है,
इसकी भी लोड लाइन पड़ती है, दैट इज एसी लोड लाइन। अच्छा, अब वो एमसीक्यूज में कह रहे हैं जब एसी सिग्नल इज अप्लाइड टू एन एम्पलीफायर, तो ऑपरेटिंग पॉइंट उसका क्या डीसी लोड लाइन पे मूव करेगा, एसी लोड लाइन पे या दोनों पे? देखिए, एम्पलीफायर में डीसी बायसिंग तो चाहिए होती है, बायसिंग तो आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को चाहिए। बायसिंग होती क्या है? बायसिंग होती है एप्लीकेशन ऑफ डीसी वोल्टेज अक्रॉस इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट, दैट इज डायोड, ट्रांजिस्टर, ऑपरेशन एम्पलीफायर, एनीथिंग। उसने ऑपरेट नहीं करना, आप उसको अगर एसी दे रहे हैं और डीसी दे नहीं रहे तो कभी भी ऑपरेट नहीं करेगा। और एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है? एम्पलीफायर का मतलब होता है एसी, मतलब एसी को एम्पलीफाई करना। जो डीसी होता है ना, डीसी में अगर वोल्टेज हम इनहेंस करते भी हैं तो उसको हम कहते हैं वोल्टेज मल्टीप्लीकेशन। ओके, अगर इसमें हमारे पास डीसी और एसी कंपोनेंट दोनों मौजूद है तो डेफिनेटली फिर ये दोनों लोड लाइन पे मूव करेगा, बोथ डीसी एंड एसी लोड लाइन, ऑप्शन नंबर 3। इफ द कलेक्टर सप्लाई इज 10 वोल्ट, देन कलेक्टर कट ऑफ वोल्टेज अंडर डीसी कंडीशन। अगर सप्लाई उसकी 10 है तो उसके कट ऑफ वोल्टेज डीसी के लिए, सप्लाई का मतलब भी हमारे पास क्या है, जैसे ये वीसीसी था यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी बात कर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली उसके जो कट ऑफ वोल्टेज होंगे दैट विल ऑल्सो बी 10 वोल्ट। तो 5 का ऑप्शन 4 हो गया। अच्छा, 6 में वो कह रहा है इन द जीरो सिग्नल कंडीशन। देखें, सिग्नल जो होता है ना, सिग्नल का मतलब एसी, सिग्नल का मतलब ही एसी है। जैसे मैं बात कर रही हूँ तो दैट इज मतलब मेरी कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी है, या अगर हम टीवी पे कोई चीज़ देख रहे होते हैं तो वो भी फ्रिक्वेंसी, किसी फ्रिक्वेंसी रेंज पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। तो सिग्नल हमेशा वो चीज़ होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और जो हमारा डीसी होता है ना उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, राइट। सिग्नल का मतलब ही हमारे पास एसी होता है। तो 0 सिग्नल कंडीशन में, अगर सिग्नल 0 है यानी सिग्नल हमने दिया ही नहीं है, तो ट्रांजिस्टर किसको देखेगा? डेफिनेटली डीसी लोड को देखेगा ना, एसी तो हमने दिया ही नहीं है, बिकॉज सिग्नल का मतलब होता है एसी, और 0 सिग्नल का मतलब है कि आपका सिग्नल ही नहीं है, 0 है, तो फिर आपका वो क्या देखेगा? इट विल जस्ट साउंड द डीसी। ओके 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 ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। द इनपुट कैपेसिटर इन एन एम्पलीफायर इज द इनपुट कपलिंग कैपेसिटर, राइट। आउटपुट वाले को कहते हैं आउटपुट कपलिंग कैपेसिटर, और एक बाईपास लगा होता है एमीटर की साइड पर, उसको कहते हैं बाईपास कैपेसिटर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डी सी एंड ए सी लोड लाइन, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको वो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट बन जाता है। सेचुरेशन पॉइंट होता है जब हमारी चीज़ सेचुरेट कर जाती है, मतलब कि इंक्रीज नहीं आ रहा उसमें, ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स में होती है। कट ऑफ पॉइंट का मतलब होता है कि इट्स नॉट वर्किंग, कट ऑफ हो गया, यानी इसके दोनों जो रीजन है, जैसे हमारा एक बेस मीटर होता है, एक होता है कलेक्टर, बेस एमीटर और कलेक्टर, कलेक्टर एमीटर। ओके, द स्लोप जो होती है एसी लोड लाइन की, वो कह रहा है कि वो मोर होती है। अच्छा, वो क्यों होती है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि स्लोप ऑफ एसी लोड लाइन इज मोर देन द डीसी लोड लाइन। हमारे पास इसमें एम्पलीफायर का जो सर्किट होता है उसमें लगे हुए होते हैं कैपेसिटर, ठीक है। ये जो है मेरे पास मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है, ओके, इसमें भी कैपेसिटर नहीं है, ओके, लेट मी, इसमें भी कैपेसिटर नहीं है। नेट से डायरेक्ट एम्पलीफायर का सर्किट देखते हैं। ये देखें जी, ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, ये C1 है, ये इनपुट AC के थ्रू आ रहा है, तो ये हो गया हमारा इनपुट कपलिंग कैपेसिटर। और यहाँ पे ये बाईपास कैपेसिटर है, इसने लगाया हुआ नहीं है, लाइक यहाँ पे आउटपुट पे भी एक ना कैपेसिटर लगा होता है। यहाँ पे RC होती है, और फिर हमारे पास एक RL लोड रेजिस्टेंस मोस्टली लगी हुई होती है। अब होता ये है, देखें जो कैपेसिटर है, यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन कर दूँ, कैपेसिटर में हमारे पास डीसी पे कैपेसिटर क्या करते हैं, तो इसको मैथमेटिकली देखते हैं। मैं एक एक्सप्रेशन बोलूँगी FSC का, सबको याद होगा, XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। ओके, XC इज इक्वल टू 1/2 पाई F फ्रीक्वेंसी और C। तो DC की फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था, सिग्नल सिग्नल होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और DC की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, DC इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो
अगर डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो है तो एक्स सी यानी रिएक्टिव कैपेसिटेंस हो जाएगी इनफाइनाइट, डीसी पे कैपेसिटर हो जाएंगे ओपन, ये भी खत्म, ठीक है ये भी आपका खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, सर्किट से कितना से बचेगा उस पर फिर वो कैलकुलेशन करके वो उसकी डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट की वैल्यू निकालते हैं राइट। और एसी पे क्या होता है, एसी पे कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, ये भी शॉर्ट हो जाएगा, ये भी शॉर्ट हो जाएगा। अब होगा क्या कि लोड लाइन पे जब हमारे पास ये कैपेसिटर इस तरह से शॉर्ट हो जाते हैं ना, तो ये अगर आरसी लगा हुआ है और इसके पैरेलल में आरएल है और दरमियान में कैपेसिटर है, ठीक है कैपेसिटर शॉर्ट हो गया तो वो दोनों आपस में आ जाएंगे पैरेलल में, ठीक है क्योंकि कैपेसिटर शॉर्ट हो गया ना, डीसी में तो वो ओपन कर रहा था उसको। तो जब दो चीज़ें हमारे पास पैरेलल में होती हैं तो उसकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जब उसकी स्लोप निकालेंगे तो दैट विल बी मोर राइट। इस वजह से जो स्लोप होती है एसी लोड लाइन की वो मोर होती है, ठीक है ओके। इफ अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ड्रॉज 2 mA व्हेन इनपुट वोल्टेज इज इतना, तो इनपुट इम्पीडेंस बताएं, तो वी इज इक्वल टू आई सी होता है, उससे उसके लिहाज से आप कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगी 5 kΩ। When a transistor amplifier is operating, the current, देखें करंट भी दोनों होना है क्योंकि मैंने आपको फिगर से बताया उसमें डीसी एसी दोनों चीज़ें होती हैं, उसमें डीसी सप्लाई हम बाइसिंग के लिए देते हैं और एम्पलीफायर का मतलब ही एसी है। पर्पज ऑफ कैपेसिटर इन अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज टू, कैपेसिटर हम लगाते हैं कि उसमें कपल और बाईपास करते हैं, अगर कोई एसी का कंपोनेंट आ रहा है तो वो उसको बाईपास करते हैं। इन डी सी इक्वलेंट सर्किट ये मैंने बता दिया आपको, एक्सप्लेन कर दिया, एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 πfc, कैपेसिटर हो जाएंगे ओपन। ओके 14 में वो कह रहा है इन अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर वोल्टेज, देखिए बीटा जो है ना दैट इज द गेन, तो बीटा इसमें आ जाएगा। इन प्रैक्टिस द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर, वोल्टेज गेन हमारे पास डेसिबल में आती है राइट। इफ द पावर एंड करंट गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ये पावर एंड करंट गेन उसने बताई हुई है, पी इज इक्वल टू वी आई के लिहाज से अगर हम निकालें, पी इज इक्वल टू वी आई तो वी आपने निकालने हैं पी बाई आई, तो आंसर आ जाएगा 165। अच्छा ये एसी की बात हो रही है, एसी में मैंने आपको बताया क्या होता है, ये दोनों पैरेलल में हो जाते हैं, ठीक है और जी जी यार मैं जा रही हूँ 2 मिनट। अच्छा 2 मिनट सिर्फ शिफान, मुझे नानो के पास भी जाना है, मुझे डांट पड़ेगी बहुत ज्यादा। नो आई डोंट ड्रिंक इन द बोतल। इन अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर फेज डिफरेंस पर पूछ रहे, तो मेरे ख्याल ये हमारे पास जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है ना इसमें हमारे पास, ओके सो हमारे पास जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होता है उसमें उसमें फेज डिफरेंस होता है, मैंने बताया था जैसे फर्स्ट एमसीक्यू में, तो कलेक्टर ही हमारा लोड है और सिग्नल वोल्टेज कॉमन एमिटर में बेस पे आते हैं, इसलिए मेरे ख्याल से इसका आंसर 1 होना चाहिए, 180। लेकिन ये वीके मेहता वाले इसको 0 डिग्री कह रहे हैं, ये नहीं हो सकता। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर लोड, कलेक्टर आपका लोड है, कॉमन एमिटर का मतलब है इनपुट बेस पे दे रहे हैं, आउटपुट कलेक्टर से ले रहे हैं, तो इसका 180 होना चाहिए। सिग्नल वोल्टेज डेफिनेटली अगर उसने मेंशन नहीं भी किया तो बेस पे जा रही है, जब बात ही कॉमन एमिटर की हो रही है। अच्छा और एसी इक्विवेलेंट में कैपेसिटर क्या हो जाते हैं, जी शॉर्ट हो जाते हैं जैसे मैंने पहले बताया। और हमारे पास डीसी के अंदर क्या होगा, जो मैंने पहले मैंने फिगर में फिगर के लिहाज से बताया था, किधर है वो फिगर, यहाँ पे अगर कैपेसिटर लगा हुआ हो, इसको यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, इसको लगाना चाहिए था, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर जैसे ये है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर यहाँ पे इसने, अच्छा यहाँ पे वो नहीं है, ये कैपेसिटर है और यहाँ पे लोड है आर एल, इसको भी कह रहे हैं। ओके दिस वन
कॉमन मीडियम एम्पलीफायर देखिए, ये वाला जो कैपेसिटर है आपका, हम इसी कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, ये कैपेसिटर हो जाएगा, क्योंकि हम डीसी की बात कर रहे हैं तो डीसी में क्या होता है, कैपेसिटर ने हो जाने ओपन, जब कैपेसिटर ओपन हो जाएगा तो ये हमारा एल तो पार्ट ही नहीं होगा इसका, ये तो ओपन हो गया, सर्किट से ख़त्म हो जाएगा, तो आपका जो आउटपुट है ना वो कैपेसिटर के क्रॉस आ रहा होगा जो ओपन है, तो दैट विल ओनली इंक्लूड आर सी, नॉट पैरेलल आर सी एंड आर एल, दैट विल बी इन ए सी, वाई इन ए सी, बिकॉज इन ए सी कैपेसिटर्स आर शॉर्ट, उस केस में आपका ये और ये हो गया पैरेलल में, ठीक है, एक इनका पॉइंट ये कॉमन है और एक इनका ये कॉमन पॉइंट है, जब ये हो गए कॉमन, जब तो ये पैरेलल बन गया, क्योंकि एक पॉइंट ये कॉमन होगा ना, ये शॉर्ट हो गया दोनों का, एक ये पॉइंट है और ये मतलब रेफरेंस पॉइंट है, तो ए सी के केस में क्या होता है, ये पैरेलल में कंसिडर होंगे, यानी ये वाली ऑप्शन बनेगी ए सी लोड में, और डी सी में होगा सिर्फ ये, द पर्पज ऑफ डी सी कंडीशन इन अ ट्रांजिस्टर एज टू सेट अप ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट को सेट करने के लिए हम डी सी को देते हैं, वैसे भी बायसिंग के लिए ज़रूरी है, तो आज के लिए मेरे ख्याल से ये 21 एम सी क्यूज मोर देन सफिशेंट है।